नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वह है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023। तो सबसे पहले हम यहां पर यह समझ लेते हैं कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या है। देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक एक समीक्षा रिपोर्ट है जिसके माध्यम से आप भूख का व्यापक रूप से मापन कर सकते हैं। यदि भूख का आपको विस्तृत रूप से मापन करना है, वैश्विक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख का मापन करना है, तो GHI का आप एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो GHI का इस्तेमाल करके भूख का व्यापक रूप से मापन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि देशों और क्षेत्रों के बीच भूख के स्तर की तुलना करनी हो, देशों और क्षेत्रों के बीच में भूख के स्तर की तुलना करनी हो, तो यहाँ पर GHI रिपोर्ट के माध्यम से आप विभिन्न देशों के बीच में, विभिन्न क्षेत्रों के बीच में भूख के स्तर की तुलना कर सकते हैं। इसके साथ ही इस जो रिपोर्ट है इसका प्रमुख उद्देश्य है दुनिया का ऐसे क्षेत्रों में ध्यान आकर्षित करना जहाँ पर भूख का स्तर सबसे अधिक हो, जहाँ पर अत्यधिक भुखमरी व्याप्त हो तथा जहाँ पर अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है। तो ऐसे क्षेत्रों में दुनिया का ध्यान आकर्षित करना इस रिपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य है, ताकि जल्द से जल्द ऐसे क्षेत्रों में भूख को मिटाने के लिए प्रयास किए जा सकें, भूख को मिटाने के लिए कार्यवाही शुरू की जा सके। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट का जो ये जो GHI रिपोर्ट है, इसका जो समग्र रूप से इसका उद्देश्य है भूख के खिलाफ संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समझ बढ़ाना, ताकि भूख को भुखमरी को मिटाने के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू की जा सके, प्रयास किया जा सके। अब हम ये चर्चा कर लेते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर यह कॉन्सर्न्ड वर्ल्ड वाइड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। तो इसके ये जो संगठन है कॉन्सर्न्ड वर्ल्ड वाइड, इसके द्वारा मानवीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये जो संगठन है कॉन्सर्न्ड वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पर वेल्थ हंगर हेल्फे, ये जो वेल्थ हंगर हेल्फे है यह जर्मन की प्राइवेट एजेंसी है, जर्मन की सबसे बड़ी प्राइवेट एजेंसी है जो मानवीय सहायता की प्रदान करती है। तो इन दोनों के द्वारा, ये कॉन्सर्न्ड वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर के द्वारा संयुक्त रूप से वार्षिक आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। प्रतिवर्ष इन दोनों के द्वारा, कॉन्सर्न्ड वर्ल्ड वाइड और ये जो वेल्थ हंगर हेल्फे, ये जो NGO है, गैर सरकारी संगठन है, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। अब यहाँ पर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में शामिल 125 देशों में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 125 देशों में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है, और भारत का यहाँ पर GHI स्कोर कितना है, 28.7 28.7, जो कि GHI सेवरिटी ऑफ हंगर स्केल के अनुसार यहाँ पर गंभीर माना जाता है ना। ये जो भारत का स्कोर है 28.7, यह GHI सेवरिटी ऑफ हंगर स्केल के अनुसार क्या माना जाता है, किस श्रेणी में आता है, गंभीर श्रेणी में, सीरियस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ पर भुखमरी की जो स्थिति है वह किस प्रकार की है, गंभीर है, सीरियस है। तो यहाँ पर पहले हम यह चर्चा कर लेते हैं कि GHI सेवरिटी ऑफ हंगर स्केल क्या है, फिर हम वापस आकर यहाँ पर जो भारत की जो भुखमरी की स्थिति है इसकी हम पिछले वर्षों के आधार पर यहाँ पर तुलना करेंगे, पिछले वर्षों से तुलना करेंगे। तो GHI स्कोर चार संकेतकों को मिलाकर अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो इन चार संकेतकों को मिलाकर यहाँ पर सूत्र के आधार पर गणना की जाती है। परिणाम स्वरूप हमें GHI स्कोर मिलता है। अंडर नरिशमेंट क्या है, यदि किसी व्यक्ति को पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण पोषण संबंधी समस्याएँ हों, यदि पर्याप्त आहार नहीं मिलेगा, पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, तो उसे पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल, तो ये पोषक तत्व उन्हें नहीं मिल पाएंगे पर्याप्त भोजन ना मिलने के कारण, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, अंडर नरिशमेंट बोलेंगे। 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चे जिनकी लंबाई उनके उम्र के अनुरूप कम हो, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे हम, चाइल्ड स्टंटिंग बोलेंगे, है ना। ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, स्टंटिंग बोलेंगे। यानी अगर किसी बच्चे की जो लंबाई है, अगर उम्र के अनुसार उसकी लंबाई कम है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड स्टंटिंग। तो यहाँ पर ऐसे बच्चों का हिस्सा लिया गया है, जो समस्त जनसंख्या है उसमें ऐसे बच्चे जो चाइल्ड स्टंटिंग से प्रभावित है उनका हिस्सा भी यहाँ पर लिया गया है, 1/6 हिस्सा लिया गया है। चाइल्ड वेस्टिंग में क्या होगा, 5 वर्ष से कम उम्र के वह बच्चे
जिनका जो वेट है उनके लंबाई के अनुसार कम है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी लंबाई जिनका जो वजन है उसके लंबाई के अनुरूप कम है, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? वेस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होगा? अंडर 5 मोर्टेलिटी, ऐसे बच्चे जो अपने 5वें जन्मदिन से पहले ही मर गए हों, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने 5 साल तक भी अपना जीवन नहीं जिया हो, उनका जीवन 5 साल भी ना रहा हो, तो ऐसे बच्चे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के अंदर आएंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अल्प पोषण, यहाँ पर जो अंडर नरिशमेंट है इससे क्या होगा? पोषण संबंधी समस्याएँ होंगी, अल्प पोषण होगा। और ये जो 3 है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, ये क्या है? तीव्र कुपोषण को दर्शाते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग क्यों होता है? कुपोषण के कारण ही होता है, पोषण संबंधी समस्याओं के कारण होता है। तो यहाँ पर इन सभी कारकों को भी लिया गया है, केवल यहाँ पर भोजन को नहीं देखा गया है, भोजन की गुणवत्ता को भी यहाँ पर देखा गया है कि भोजन से पर्याप्त पोषण जो है वह जनसंख्या को, समस्त जनसंख्या को, बालकों को, बच्चों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से जो हंगर, ये जो इंडेक्स है, इसमें समस्त कारकों को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी है, देखिए अगर बच्चों को पोषण नहीं मिल पाएगा, पोषक तत्व नहीं होंगे, बीमारी होगी बच्चों को, यहाँ पर चाइल्ड स्टंटिंग होगा, वेस्टिंग होगा, तो यहाँ पर बच्चों की जो मृत्यु है उसका भी यहाँ पर खतरा बना रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये जो कारक है, इसको भी यहाँ पर लिया गया है। तो समग्र जनसंख्या का वह हिस्सा जो अंडर नरिशमेंट से प्रभावित है उसे भी यहाँ पर क्या है? सम्मिलित किया गया है। अच्छा, ये जो पहला कारक है अंडर नरिशमेंट, यह क्या है? समग्र जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। इसके बाद जो 3 अन्य कारक है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये क्या है? ये जो कारक है बच्चों से संबंधित है। तो बच्चों से संबंधित कारकों को इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि समग्र जनसंख्या का जो एक विशेष रूप से कमजोर उपसमूह है जो भुखमरी से प्रभावित है, उसे भी सम्मिलित करना यहाँ पर आवश्यक था। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन तीनों कारकों को भी यहाँ पर क्या किया है? इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि ये विशेष रूप से भुखमरी से प्रभावित हैं, बच्चे जो हैं यह विशेष रूप से क्या है? भुखमरी से प्रभावित है। इसलिए ये जो अन्य 3 कारक है यह क्या है? बच्चों से संबंधित है। अब यहाँ पर ये जो GHI स्कोर आएगा इन 4 संकेतकों को मिलाकर, इसका जो मान होगा, न्यूनतम मान 0 होगा और अधिकतम मान कितना होगा? 100 होगा। तो न्यूनतम मान 0 होगा और अधिकतम मान 100 होगा। तो यही जो यहाँ फिर ये जो 0 से 100 मार्क्स है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इसमें हम डिफरेंट मार्क्स के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे कि इस अंक से इतना मॉडरेट होगा, इस अंक से इतना अलार्मिंग होगा, इस अंक से इतना एक्सट्रीमली अलार्मिंग होगा, इससे इतना आपका सीरियस होगा। तो इस तरीके से जब आप कैटेगराइज कर दो, इस 0 से 0 अंक को जब आप क्या करोगे, 0 से 0 अंक को आप यहाँ पर कैटेगराइज कर दोगे कि इतने से इतना लो होगा, इतने से इतना मॉडरेट होगा, इतने से इतना अंक सीरियस होगा, तो इस प्रकार का जब आप यहाँ पर डिवीज़न करोगे तो इसी को आप क्या बोल दोगे? यहाँ पर आपने ये जो डिवाइड किया है, ये कैटेगराइज किया है, और यहाँ पर आपका ये जो 0 से 0 अंक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरी व्यवस्था है, इसी को आप क्या बोलोगे? यहाँ पर ये जो पूरी प्रणाली है, इसी को आप क्या बोल दोगे? GHI सेवरिटी ऑफ हंगर स्केल। यहाँ पर ये जो पूरी प्रणाली है, जो आपने यहाँ पर डिवीज़न किया, 0 से 0 अंक को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये जो पूरी मापन की जो प्रणाली है, इसी को आप क्या बोल दोगे? GHI सेवरिटी ऑफ हंगर स्केल, GHI सेवरिटी ऑफ हंगर स्केल, ठीक है, GHI सेवरिटी ऑफ हंगर स्केल। तो यहाँ पर GHI स्कोर को हमने, GHI स्कोर है न्यूनतम 0 से 100, इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो हमको इस तरीके से, इस प्रणाली से हमने क्या किया, भुखमरी के स्तर को हमने इस प्रणाली के थ्रू माप लिया। इस प्रणाली के थ्रू हम भूख के स्तर को हम माप सकते हैं अलग अलग पार्ट में, यहाँ पर कैटेगराइज करके कि किसकी स्थिति गंभीर है, किसकी स्थिति चिंताजनक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक GHI सेवरिटी ऑफ हंगर स्केल का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जो प्रणाली है इसको क्या बोलेंगे? GHI सेवरिटी ऑफ हंगर स्केल। ये जो GHI सेवरिटी ऑफ हंगर स्केल है 0 से 100 में, यहाँ पर जिस देश का, फॉर एग्जांपल, जिसका GHI स्कोर जितना कम होगा वहाँ पर उतनी भूखमरी की स्थिति अच्छी होगी, मतलब वहाँ पर उतनी कम भूखमरी व्याप्त होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी देश का स्कोर, GHI स्कोर 0 है, तो वहाँ जो भुखमरी की स्थिति है वो न्यून है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की भुखमरी व्याप्त नहीं है, वहाँ पर उस देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा। अगर किसी देश का स्कोर अगर 100 हो गया, तो वहाँ पर उस देश में जो भुखमरी है अपनी चरम सीमा पर है, अत्यधिक भुखमरी व्याप्त है, और उस देश का जो प्रदर्शन है वह बहुत ख़राब होगा। तो इस प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो GHI स्कोर अगर जितना कम होगा उतना आपका क्या होगा, यहाँ पर भुखमरी की स्थिति यहाँ पर कम होगी, वहाँ पर भुखमरी
भुखमरी का स्तर कम होगा, स्थिति अच्छी होगी, और अगर जितना स्कोर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर भुखमरी का स्तर अधिक होगा। देखिए, अगर आपका जो स्कोर है लेस देन और इक्वल टू 9.9 होगा, यानी अगर आपका GHI स्कोर 9.9 से कम है या उसके बराबर है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो भुखमरी का स्तर है वह निम्न है, यहाँ पर जो भुखमरी का स्तर है वह लो है, निम्न है, ठीक है। और यदि आपका यहाँ पे अगर जो स्कोर है ये 10 से 19.9 है, तो यहाँ पे भुखमरी का जो स्तर है यह क्या होगा, किस भुखमरी की स्थिति क्या होगी, मॉडरेट होगी। 20 से 34.9 है, तो यह क्या शो करेगा कि भुखमरी की जो स्थिति है वह क्या है, गंभीर है, सीरियस है। 35 से 49.9 अलार्मिंग, ग्रेटर और इक्वल देन 50 क्या होगा, एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, चलिए अब हम वापस चलते हैं और हम भारत के पिछले वर्षों से कुछ वर्षों से हम तुलना करते हैं। भारत के भूख की स्तर की आपको यदि तुलना करना है, भारत के भूख के स्तर की आपको तुलना करना है, तो यहाँ पर यदि आप तुलना करोगे तो वर्ष 2023 में जो GHI स्कोर है, इसकी तुलना अगर आप वर्ष 2023 से करोगे या फिर वर्ष 2022 से या फिर किसी अन्य वर्ष से करोगे, तो यहाँ पर इस प्रकार की तुलना मान्य नहीं होगी, वैध नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि प्रतिवर्ष डाटा संशोधित होता है, कार्य प्रणाली भी संशोधित होती है, इसके साथ ही देशों का सेट भी बदला जाता है, तो आप पिछले वर्ष से तुलना करेंगे तो मान्य नहीं होगा। तो 2023 रिपोर्ट में जो चार वर्ष हैं, सन 2000 का GHI स्कोर, 2008 का GHI स्कोर, 2015 का GHI स्कोर और 2023 का GHI स्कोर, ये जो चार GHI स्कोर हैं ये सर्वाधिक मान्य GHI स्कोर हैं। इनकी कार्य प्रणालियाँ, सेट और जो विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं सभी लगभग समान हैं। तो ये चार जो डाटा है सर्वाधिक मान्य डाटा है, GHI सर्वाधिक मान्य GHI स्कोर है, जिनका आप वर्ष के आधार पर आपस में तुलना कर सकते हो। समय के हिसाब से अगर आपको तुलना करना है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना है, वर्षों के आधार पर आपको तुलना करना है, तो ये चार GHI स्कोर है, इनका आप आपस में तुलना कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, मैं अगर देखूंगा भारत की स्थिति, भुखमरी की स्थिति की मैं बात करूं, तो वर्तमान में 2028.7 यह क्या है, गंभीर स्थिति है। GHI सेवरिटी ऑफ हंगर स्केल के अनुसार यह वर्ष 2000 के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, यानी वर्ष 2023 में वर्ष 2000 के कंपैरिजन में काफ़ी सुधार दिखता है। क्योंकि देखिए वर्ष 2000 में कितना था, 38.4 था, जो कि चिंताजनक था। वर्ष 2008 में भी 35.5 था, यह भी चिंताजनक था। तो 2008 के कंपैरिजन में भारत की जो भुखमरी की स्थिति है इसमें काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर, और अगर मैं 2015 देखूँ तो यहाँ पर काफ़ी नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर पहले भी सीरियस था, अभी भी सीरियस है, लेकिन पहले 29.2 था और अभी यहाँ पर क्या है, GHI स्कोर कम हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सुधार हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हमने ये कंपैरिजन कर लिया। अब भारत के जो अन्य कारक हैं उन्हें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो अन्य फैक्टर्स हैं, जो संकेतक हैं। यहाँ पर क्या दिया है, इंडियाज़ चाइल्ड वेस्टिंग रेट एट 18.7% इज़ द हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट इन द रिपोर्ट। यानी भारत का जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है वह समस्त देशों की तुलना में सर्वाधिक है, अधिक है। अगर हम GHI रिपोर्ट 2023 में जितने देश शामिल हैं उन सभी देशों में भारत का जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है यह क्या है, सर्वाधिक है। कितना है, 18.7% है, ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग रेट इज़ 35.5%, ठीक है। यहाँ पर जो बौनापन है बच्चों का, तो ये यहाँ पर चाइल्ड स्टंटिंग रेट कितना है, 35.5% है। इट्स प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, अल्पपोषण की व्यापकता कितनी है, 16.6%। अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट कितना है, बाल मृत्यु दर कितना है, 3.1% है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भारत की जो स्थिति है यहाँ पर देख ली GHI रिपोर्ट 2023 के अनुसार। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो विश्व के शीर्ष देश हैं, जो प्रदर्शन है अलग अलग देशों का, जो प्रदर्शन है GHI रिपोर्ट में, उसे भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम GHI रैंकिंग के अनुसार विभिन्न देश की स्थिति देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक से लेकर यहाँ पर टोटल 20 देश, यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा टोटल 20 देश के नाम हैं। तो यहाँ पर 20 देश ऐसे हैं जिनका GHI स्कोर क्या है, लेस देन 5 है, 5 से कम है। तो ऐसे देश किस श्रेणी में आएंगे, तो ये मॉडरेट श्रेणी में आएंगे। GHI सेवरिटी ऑफ हंगर स्केल के अनुसार यह मॉडरेट श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ पर ये जो 20 देश हैं इनको व्यक्तिगत तौर पे रैंक नहीं दिया गया है, इंडिविजुअल तौर पर यहाँ पर किसी को भी रैंक नहीं दिया गया है, बल्कि सामूहिक रूप से सभी को 1 से लेकर 20 तक का रैंक दे दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इनका जो GHI स्कोर था उसके बीच में, GHI स्कोर के बीच में मिनिमम डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, इसलिए क्या किया गया, इन सभी को यहाँ पर
एक से बीस तक का सामूहिक रूप से इनको रैंक दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा साइट में यहाँ पर सीक्वेंस दिया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने डाल दिया, पर व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पर रैंक प्रदान नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए यहाँ जिनका GHI स्कोर कम होगा उनके भूख की स्थिति क्या होगी, भूख का स्तर वहाँ पर बहुत कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है लोएस्ट स्कोर, तो क्या होगा, लोएस्ट स्कोर होने से लो लेवल ऑफ हंगर, ठीक है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको GHI सेवरिटी ऑफ स्केल के बारे में बताया था, तो जिसके शून्य होगा तो वहाँ पर भुखमरी कम होगी, और अगर 100 होगा तो बहुत ज़्यादा भुखमरी होगी। तो जैसे जैसे स्कोर कम होगा होते जाएगा तो भुखमरी कम होते जाएगी, ठीक है, भुखमरी का स्तर कम होते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, चील, चाइना, क्रोशिया, इस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, कुवैत, लेटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, मैसिडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उरुग्वे। तो ये जो 20 देश हैं इन्हें व्यक्तिगत रैंक ना देके सामूहिक रूप से ये जो देश है ये 1 से 20 तक के रैंक है, ठीक है। और इनका क्या है, जो GHI स्कोर है लेस देन 5 है, और ये किस श्रेणी में आएंगे, मॉडरेट श्रेणी में। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि ऐसे देश जिनका GHI स्कोर बहुत ज़्यादा है और जो किस में आएंगे, जहाँ पे भूख का स्तर अधिक है, भुखमरी का स्तर अधिक है, तो ये देश किस श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ पर टोटल 9 देश ऐसे हैं जो अलार्मिंग कैटेगरी में आते हैं, कुल मिलाकर यहाँ पे 9 कंट्रीज हैं, 9 कंट्रीज जो किस श्रेणी में आएंगे, किस श्रेणी में आ रहे हैं GHI रिपोर्ट के अनुसार, अलार्मिंग की श्रेणी में आते हैं। अलार्मिंग यानी मैंने आपको बताया था, अलार्मिंग यानी चिंताजनक, ठीक है। तो यहाँ पर अलार्मिंग श्रेणी के 9 देश हैं, यहाँ पर मैं एक बार रीड कर देता हूँ। यहाँ पर 120वें स्थान पर क्या है, नाइजर, 121वें में लेसुथो, 122 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, 123वें स्थान पर येमेन, 124वें स्थान पर मेडागास्कर, और सबसे अंतिम लास्ट स्थान पर 125वें स्थान पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो यहाँ पर ये 7 कंट्रीज हैं जो जिनका GHI स्कोर सबसे अधिक है और जहाँ भूख का स्तर सबसे ज़्यादा है। तो 125वें नंबर पे सबसे ज़्यादा भूख का स्तर किसका है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 कंट्रीज हैं, सोमालिया, बुरुंडी और साउथ स्वीडन, सोमालिया, बुरुंडी और साउथ स्वीडन, इनको अलग से रैंक नहीं दिया गया है, कि जब इनके GHI स्कोर की गणना की गई तो GHI स्कोर की गणना करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं था, इसीलिए इन्हें रैंकिंग ना देके प्रोविजनल तौर पे, इन्हें रैंकिंग ना देके अस्थायी तौर पे इन्हें इनका जो GHI स्कोर है, अस्थायी तौर पे इन्हें GHI स्कोर दे दिया गया है, ठीक है। पर्याप्त डाटा उपलब्ध ना होने के कारण इन्हें रैंकिंग नहीं दी गई, तो GHI स्कोर की गणना करने में यहाँ पर दुविधा हो रही थी, तो यहाँ पर अस्थायी तौर पे, प्रोविजनल तौर पे इन्हें GHI स्कोर दे दिया गया है। जैसे देखेंगे सोमालिया का कितना है, 35 से 49.9, बुरुंडी का भी सेम है, साउथ स्वीडन का भी 35 से 49.9। देखिए इस देश को नेगलेक्ट कर सकते थे, लेकिन नेगलेक्ट नहीं करने का रीज़न ये है, इन देश को सम्मिलित करने का रीज़न ये है कि इन देश का भी जो भूख, ये जो 3 देश है यहाँ पर भूख का स्तर सबसे अधिक है, अत्यधिक भुखमरी व्याप्त है, यहाँ के जो देश के लोग हैं खाद्य सुरक्षा से यहाँ पर पीड़ित हैं, तो इन दोषों को भी शामिल करना आवश्यक था, इसलिए यहाँ पर इन्हें अस्थायी रूप से क्या किया गया, GHI स्कोर दे दिया गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो अब हम यहाँ पर विश्व की स्थिति भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर यहाँ पर 2023 रिपोर्ट के अनुसार स्कोर कितना है, 18.3, 18.3। 2023 GHI रिपोर्ट के अनुसार GHI स्कोर कितना है, 18.3। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इसको टाइम के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है, तो GHI रिपोर्ट के अनुसार ये जो 4 वर्ष हैं, 2000, 2008, 2015 और 2023, तो इनके जो डाटा है इनको जब आप कंपेयर करोगे, इनके GHI स्कोर को कंपेयर करोगे, तब क्या होगा, ये मान्य होगा, यहाँ पर ये जो कंपैरिजन है ये वैध कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप पिछले वर्ष से तुलना करेंगे तो हर वर्ष जो डाटा है वो संशोधित होता है, कार्यप्रणाली भी संशोधित होती है। तो यहाँ पर अगर आपको कंपैरिजन करना है तो रिपोर्ट के अनुसार ये 4 वर्ष हैं, इन 4 वर्षों का आप आपस में कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर ये जो तुलना है ये मान्य होगा, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। तो यहाँ पे सन 2000 में आप देखेंगे, सन 2000 में यहाँ पर स्कोर कितना था, 28 था। तो सन 2000 के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो यहाँ पे भूख के स्तर में काफ़ी गिरावट हुई है, काफ़ी कमी आई है सन 2000 के कंपैरिजन में, वर्तमान में भूख के स्तर में काफ़ी कमी हुई है। इसके बाद यहाँ पे सन 2008 में भी देखिए, अगर मैं 2008 को 2000 से कंपेयर करूँ तो यहाँ भी भूख के स्तर में काफ़ी कमी हुई है। 2000 में 28 था स्कोर, GHI स्कोर, 2008 में 23.6 था, तो यहाँ पर भी काफ़ी कमी हुई है।
ठीक है। इसके बाद सन 2008 से 2015 भी देखेंगे तो 20.23.6 से 19.1, तो यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर भी भूख के स्तर में काफ़ी गिरावट आई है। GHI स्कोर यहाँ पे भी काफ़ी कम हुआ है, लेकिन जब आप 2015 से कंपेयर करेंगे, वर्तमान को 2015 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 19.1 से 18.3, तो यहाँ पर जो भूख के जो स्तर है उसमें जो कमी हो रही थी, जो गिरावट हो रही थी, उसमें एक ठहराव सा दिखता है। यहाँ पर केवल एक पॉइंट से भी कम की कमी हुई है ना, यहाँ पर आप कमी देखेंगे तो एक अंक से कम की भी गिरावट हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक आपको ठहराव सा देखने मिलेगा। 2015 से 23 के बीच में जो कमी हो रही थी, जो गिरावट हो रही थी भूख के स्तर में, इसमें एक ठहराव सा देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, आगे और चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं, 2023 रिपोर्ट के अनुसार 9 कंट्रीज ऐसे हैं जो अलार्मिंग श्रेणी में है, चिंताजनक श्रेणी में है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर जो लिस्ट दिखाए थे यहाँ पे, जो 9 कंट्रीज अलार्मिंग कंट्रीज के, तो वहाँ पे आपने देखा था कि उनका जो GHI स्कोर था काफ़ी ज़्यादा था। तो 9 कंट्रीज ऐसे हैं जो अभी भी अलार्मिंग कैटेगरी में है 2023 GHI रिपोर्ट के अनुसार, और 34 कंट्री ऐसे हैं जो सीरियस है, गंभीर। 34 कंट्री ऐसे हैं जो गंभीर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 37 कंट्री ऐसे हैं जो मॉडरेट की श्रेणी में हैं, और लगभग यहाँ पर 50 कंट्री यहाँ पर ऐसी है जो किस श्रेणी में आती है, लो लेवल ऑफ हंगर की श्रेणी में आती है, ठीक है। 50 कंट्री ऐसी है जो लो लेवल हंगर की श्रेणी में आती है। तो यहाँ पर जो 2023 रिपोर्ट के अनुसार हम देखेंगे तो भूख के स्तर में जो गिरावट आनी थी उसमें एक ठहराव सा यहाँ पर हमको देखने मिला है, ठीक है। भले ही यहाँ पे 50 कंट्री और 2000 के कंपैरिजन में जब 2023 को देखेंगे तो हमको भूख के स्तर में कमी दिखेगी, लेकिन 2015 के कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पर एक ठहराव सा दिख रहा है, भूख के स्तर में उतनी ज़्यादा कमी नहीं हुई है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं उसमें जो SDG 2 है, जो दूसरा सतत विकास लक्ष्य है, वह क्या है, जीरो हंगर बाय 2030। तो ये जो हमने लक्ष्य रखा है कि हम जीरो हंगर लाएंगे कब तक, 2030 तक के ये जो सारी कंट्रीज है, वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है, इसमें क्या होना चाहिए, जो हंगर है वह, जो लेवल ऑफ हंगर है, यह क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो यहाँ पर रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये जो हमने जीरो हंगर का लक्ष्य रखा है SDG 2 में, सतत विकास लक्ष्य 2 में जीरो हंगर का हमने जो लक्ष्य रखा है, इसको पूरा करने में काफ़ी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ रिपोर्ट में बताया है कि 18 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका GHI स्कोर बढ़ा है, ठीक है। तो 18 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका GHI स्कोर बढ़ा है। इसके साथ ही 58 कंट्रीज ऐसी हैं जो 2030 तक लो लेवल ऑफ हंगर को अचीव करने में फेल हो जाएगी, लो लेवल ऑफ हंगर को अचीव नहीं कर पाएंगी, तो ये रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। तो यहाँ पे हम महत्वपूर्ण कारक देख लेते हैं जिसके कारण से यहाँ पे भूख का जो स्तर है उसमें वृद्धि होती है, जो भूख की स्थिति है और ख़राब होती है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लाइमेट क्राइसिस, जलवायु परिवर्तन, जैसा कि आपने अभी यहाँ पर, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, जो सोमालिया कंट्री है तो वहाँ पर सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो सूखा प्रभावित होने से क्या होगा, वहाँ पे फसल उत्पादन प्रभावित होगा, और फसल उत्पादन प्रभावित होगा तो क्या होगा, खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा होगी। तो खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई थी वहाँ पे, तो ये फसल उत्पादन प्रभावित होने से क्या हुआ, लोगों को पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर भोजन नहीं मिल पा रहा था, पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री नहीं मिल पा रही थी, तो इस तरीके से यहाँ पर भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। तो जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिस कारण से क्या होगा, यहाँ पे भुखमरी की स्थिति पैदा होगी, भुखमरी की जो स्थिति है और ख़राब होगी। जैसे कुछ क्षेत्र है जो अलार्मिंग कंट्रीज है, वहाँ पर क्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो बाढ़ प्रभावित होने से भी क्या होगा, फसल उत्पादन प्रभावित होगा, फसल उत्पादन में गिरावट आएगी, तो वहाँ पर भी भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो जलवायु परिवर्तन भी क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर को ही ले लेते हैं। तो रशिया यूक्रेन वॉर में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रशिया और जो यूक्रेन है वहाँ पे खाद्य असुरक्षा की स्थिति तो बन गई थी, साथ ही साथ ऐसे देश जो अपने खाद्य सामग्रियों के लिए इन देश पर डिपेंड थे उन पर भी वहाँ पर खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई थी। इस तरीके से 4 महत्वपूर्ण कारक है जो भुखमरी की स्थिति को और ख़राब करता है, भुखमरी के स्तर में यहाँ पर वृद्धि करता है। 2023 GHI रिपोर्ट के अनुसार भारत 111वें रैंक पर है,
पिछले कुछ वर्षों के भी रैंक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ हम पिछले कुछ वर्षों के भी रैंक देख लेते हैं। 2022 में कितना था, 107 रैंक पे था। 2021 में किस रैंक पे था, 101 रैंक पे था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर विश्व की स्थिति देख ली कि किस किस तरीके से किस देश में यहाँ पर जो जीएचआई स्कोर बढ़ा है या कहाँ पे कम हुआ है, ठीक है, कौन से जो देश हैं वो अलार्मिंग श्रेणी में है, कौन से जो देश है वो मॉडरेट की श्रेणी में है, कहाँ पर जो जीएचआई स्कोर, कहाँ पे जो लेवल ऑफ हंगर है ये लो है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारा जो डाटा है उसका एनालिसिस कर लिया। तो यहाँ पर हम इस रिपोर्ट को लेकर भारत सरकार का रुख भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा क्या कहा गया है कि इस सूचकांक को भूख का एक त्रुटिपूर्ण माप बताते हुए खारिज कर दिया गया है। भारत सरकार ने कहा है कि ये जो माप है यह त्रुटिपूर्ण तरीके से हुआ है, यह माप सही तरीके से नहीं हुआ है और इसे खारिज कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि सूचकांक भूख का एक गलत माप है। तो उन्होंने कहा है कि इसका मापन एक गलत तरीके से हुआ है, यह भूख का माप नहीं है, ठीक है, तो इसे भूख का माप कहा जाना सही नहीं है। तो इसके बाद क्या बोला है कि यह गंभीर पद्धतिगत मुद्दों से ग्रस्त है। तो यहाँ पर इनकी जो ये उन्होंने कहा है कि जो कार्य प्रणाली इन्होंने अपनाई है, ये जो कार्य प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है यह सही नहीं है, यह सही तरीके से नहीं हुआ है। सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 संकेतकों में से 3 संकेतक बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं, पूरे आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये जो स्टंटिंग, वेस्टिंग और मोर्टिलिटी है, ये 3 संकेतक किस पे डिपेंड करते हैं, 3 संकेतक बच्चों से संबंधित है। तो यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कहना है कि ये जो संकेतक है ये 3 तो बच्चों को प्रदर्शित करते हैं, बच्चों से संबंधित है, तो संपूर्ण जनसंख्या, संपूर्ण आबादी का प्रतिनिधित्व यह नहीं करता, यह जो रिपोर्ट है यह नहीं करता। ये जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो अंडर नरिशमेंट है यह संपूर्ण जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। जैसा कि मैंने आपको अंडर नरिशमेंट बताया था कि किसी व्यक्ति को अगर पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में उसे भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वहाँ पे उसे पोषण संबंधी समस्याएं होंगी। पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल ये सब नहीं मिल पाएंगे, ऊर्जा नहीं मिल पाएगी उसे पर्याप्त मात्रा में। तो इस तरीके से अंडर नरिशमेंट से क्या होगा, अल्प पोषण होगा। और यही जो अंडर नरिशमेंट है यही संपूर्ण जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, और बाकी ये जो अन्य है, ये जो 3 कारक है, संकेतक है, यह बच्चों से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, ये चाइल्ड वेस्टिंग है ना, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेतक अल्प पोषण जनसंख्या का अनुपात 3000 के बहुत छोटे नमूने आकार पर किए गए जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पर ये बोला है कि ये जो अंडर नरिशमेंट है, अल्प पोषण, यह संपूर्ण आबादी को प्रदर्शित नहीं करता, एक छोटे से नमूने 3000 के सैंपल पर यह किया गया है, तो यह संपूर्ण आबादी को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि पोषण ट्रैकर के अनुसार 2023 के बाद से चाइल्ड वेस्टिंग रेट कितना है, 7.2% है, और हमने जो GHI रिपोर्ट में देखा चाइल्ड वेस्टिंग रेट कितना था, अप्रॉक्स 18.7% समथिंग था। तो यहाँ पर जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है GHI रिपोर्ट के अनुसार 18.7% है, और यहाँ पर कितना दिया है पोषण ट्रैकर के अनुसार, यहाँ पर 7.2% है। तो यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कहना है कि इन्होंने जो आंकड़ा है यह प्रॉपर तरीके से नहीं लिया है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इन्होंने नहीं लिया है, ये मैं जो भारत सरकार का रुख है ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भारत सरकार, ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इनका जो बयान है ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। स्टंटिंग और वेस्टिंग, यहाँ पर भूख के अलावा स्वच्छता, अनुवांशिकी, पर्यावरण और भोजन सेवन के उपयोग जैसे कई अन्य कारकों की जटिल बातचीत के अन्य कई कारकों के परिणाम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि स्टंटिंग और जो वेस्टिंग है जरूरी नहीं है कि भूख के कारण ही हो, ये जो बौनापन है, यहाँ पर ये जो स्टंटिंग और वेस्टिंग है, ये जो बौनापन है, ये चाइल्ड स्टंटिंग और ये जो चाइल्ड वेस्टिंग है, ये दोनों क्या है, जरूरी नहीं है कि ये भूख के कारण ही हो, ये कई अन्य कारकों के कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है कि अनुवांशिकी कारकों से, पर्यावरण के कारकों से, भोजन सेवन के कारकों से, कई अन्य कारणों से भी क्या है, यह चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यह पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाने के कारण ही होगा। इसके बाद यहाँ पर दिया है चौथा संकेतक बाल मृत्यु भूख का परिणाम है, यह जरूरी नहीं है, भूख का परिणाम है यह जरूरी नहीं है।
तो यहाँ पर ये बताया है कि यह जो चौथा कारक है चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, यह ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चे की अगर मृत्यु हो रही है तो पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण ही उस बच्चे की मृत्यु हो, ऐसा यहाँ पर इन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये जो चाइल्ड मोर्टिलिटी है ये ज़रूरी नहीं है कि भूख के कारण ही हो, ये बच्चे की मृत्यु अगर हो रही है तो अन्य कारकों के भी अन्य कारकों से भी हो सकती है, जैसे शिशु देखभाल प्रथाएँ, मातृ स्वास्थ्य, स्वच्छ जल तक पहुँच, स्वच्छता, पर्यावरण, अन्य कारकों से भी यहाँ पर क्या है चाइल्ड मोर्टिलिटी यहाँ पर ये हो सकती है। ठीक है, यहाँ तो इस तरीके से हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रिपोर्ट पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा की। तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे और भी अन्य समसामयिक मुद्दों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।